ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। सो वी कंटिन्यू अवर चैप्टर, चैप्टर 4, मटेरियल्स, है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हमने कल जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो हमें दिखाई देती है, जिसके लिए हमें कोई किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, ठीक है। जो अपियरेंस, जो फिजिकल अपियरेंस होता है, लस्टर है ना, सॉफ्ट है, हार्ड है ना, डल है, दीज आर फिजिकल करेक्टर्स ना। तो हमने फिजिकल करेक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखे थे। आज हम केमिकल पढ़ेंगे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, चलिए अपना हेडिंग है, पेज नंबर है आपका 46, है ना। हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके देखेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ओके। तो आप जानते हो, है ना, कौन सा फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। आयरन में जब रस्टिंग होती है, मींस रस्टिंग कब होगा आयरन में, जबकि आयरन किसके कांटेक्ट में आएगा, वाटर के, या हम कह सकते हैं मॉइस्चर की, ह्यूमिडिटी की, ये तीनों एक ही बात है, और साथ में ऑक्सीजन, है ना। जब ये आयरन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब आयरन ऑक्साइड बनता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग, है ना। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। जो आयरन में ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाता है, दैट इज रस्टिंग। और फिर वही वो जो आयरन है वहां से वीक होने लगता है, और काफी समय तक यदि वैसे ही उसी कंडीशन में पड़ा रहा तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो ये है ऑक्सीजन की रिएक्शन। तो क्योंकि जो ये रस्टिंग होता है, ये ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन दोनों के साथ जब आयरन का कॉन्टेक्ट होता है, रिएक्शन होती है और आयरन ऑक्साइड बनता है ना, तभी रस्टिंग होता है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से हम आगे भी और भी कुछ और भी रिएक्शन देखेंगे। रिकॉल द रिएक्शन विच रस्ट इज फॉर्म। हम इसको पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन, आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी की थी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना। वहां पर हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया था और उसको चैप्टर में जब पढ़ रहे थे उसको हमने बर्न किया था, है ना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, उसको हमने, अब आप ये भी जानते हो, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बर्निंग कर रहे हैं, है ना, तो वो तभी बर्न होगा जबकि ऑक्सीजन अवेलेबल होती है ना। यदि ऑक्सीजन है तभी वहां पर बर्निंग होगी, ठीक है। तो हमने वहां पर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन किया था इन एयर, और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। दोनों ही केस में देखिए, जब रस्टिंग हुई तो कौन सा आयरन ऑक्साइड बना, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो दोनों ही केस में क्या बन रहे हैं, ऑक्साइड बन रहे हैं, है ना। ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई और ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, जो कि एच फॉर्म में थी, है ना, एच फॉर्म में बन रहा था, ठीक है। ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। कंप्लीटली इसको हम, इस रिएक्शन को हम ऐसे ले सकते हैं,
हम दोनों ही रिएक्शन को देख लेते हैं, ओके। तो आप ये जान गए हो कि जब आयरन है, आपकी बुक में दिया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो H2O बनता है, साथ में आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और इसी तरह से जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ओके, ठीक है। एक्टिविटी 3 देखिए, एक्टिविटी 3 है इसमें, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट। अब जो रस्ट बना है जिसकी हमने आयरन के साथ रिएक्शन हुई थी, है ना, तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड। तो इसी का हमें नेचर चेक करना है, इसका नेचर कैसा है। तो इसके लिए हमको ये जो रस्ट है इसको कलेक्ट करना पड़ेगा और इसकी केमिकल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर, ओके। कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट, तो हमें क्या करना है, यदि कोई आयरन ऑब्जेक्ट है तो बहुत केयरफुली, है ना, कि हमारे चोट ना लगने पाए, किसी तरह का कोई इंजरी हमारे हाथों में ना हो, आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। वन है ना, ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट लेना है एंड डिजोल्व इट इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे, ओके। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। आप देखेंगे तो ये रस्ट है, ये क्या होगा, ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होती है, है ना। आप देखोगे यदि आप कांच के ग्लास में या बीकर में ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो रस्टिंग है इसके पार्टिकल्स आपको बॉटम में दिखाई देंगे, ये वाटर के साथ पूरी तरह से मिक्स नहीं होगी, सस्पेंडेड, है ना, और ऐसे ही दिखाई देगी। शेक द सस्पेंशन वेल, उसको अच्छे से आप शेक करोगे, इज द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आप रेड और ब्लू लिटमस पेपर से इसको चेक करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या देखा, इज द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, है ना, ये एसिडिक है या बेसिक है। फिगर में देखेंगे टेस्टिंग द नेचर ऑफ दिस रस्ट, इसमें दिखाया गया है, ये आपने पहले वाली जो टेस्ट ट्यूब है ऊपर वाली, इस जो लॉन्ग टेस्ट ट्यूब दिखाई गई है, इसमें क्या है, रस्ट एंड वाटर है। जब इसको आपने रेड लिटमस पेपर से चेक किया तो ये ब्लू हो गया, ठीक है, फिगर में दिखाया गया है, रेड लिटमस पेपर से हमने चेक किया तो ये ब्लू हो गया, मीन्स ये कैसा है, दैट इज बेसिक इन नेचर, है ना, ये कैसा है, बेस है, है ना, ठीक है, ओके। अब देख लीजिए, ये किसी तरह से, हाँ आप देखेंगे क्या कॉपर में भी रस्टिंग होती है, है ना। आई हैव सीन द ग्रीनिश डिपोजिट ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉपर वेसल, ये कॉपर में भी रस्टिंग होता है, है ना। When a copper vessel is exposed to the moist air for a long time, काफी समय तक वो moist air में रहता, moist condition में यानी moisture के साथ और oxygen के contact में आता है तो उसमें भी rusting हो जाती है। It requires a dull green coating, उसमें green color का आपको coating दिखाई देगा, किसमें, copper में। The green material is a mixture of copper hydroxide, ना, copper hydroxide इसका फॉर्मूला होता है CuOH का होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3, है ना। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, रिएक्शन नीचे दिया गया है, कॉपर Cu प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है तो बनता है CuOH का होल ट्वाइस एंड CuCO3, ओके, इज दैट क्लियर। इसको देख लीजिए, ये जो है ये आपका कॉपर का सिंबल है, जब ये H2O यानी मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आया साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना, तो क्या बनेगा, बन जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना, CuOH का होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट CuOH का होल ट्वाइस CuCO3, ये बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट,
ये बनते हैं, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट बनेगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, इज दैट क्लियर। ये क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉपर है ना, इसको आप जानते हैं, दैट इज वाटर। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। कॉपर वाटर यानी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो कि एयर से मिल जाती है, इन सब की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये इसका ये फॉर्मूला है CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड, साथ में ये कॉपर कार्बोनेट बनता है, ठीक है, ओके। CuCO3 ओके, ये रिएक्शन होती है कॉपर के साथ, ओके। जो कॉपर के जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं घर में, उसमें ग्रीन कलर का जो डिपोजिशन दिखाई देता है, दैट इज रस्टिंग, है ना। और आयरन में रस्टिंग होती है ब्राउन कलर की, कॉपर में होती है ग्रीन कलर की। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, हमने जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था क्लास 7 में, उसको भी देख लेते हैं। उसमें जो एस बनती है हमारी, ठीक है ना, जो एस बनती है, द एस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व इन वाटर। हम अब देखो, हमने अभी क्या किया, जो आयरन में जो रस्टिंग हुई उसकी टेस्टिंग करके देखा, वो बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। अब जो ये उनको जो बर्निंग हमने किया मैग्नीशियम रिबन को, उसके बाद जो हमको ऐश मिली है ना, उस ऐश को भी हम टेस्टिंग करके देखेंगे कि उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हमने क्या किया, वो जो ऐश है उसको भी हमने वाटर में डिजोल्व किया एंड टेस्टेड, हमने टेस्ट किया कि वो एसिडिक है या बेसिक, ठीक। उसी तरह हम वो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों में चेक करेंगे। तो इधर हमने क्या देखा, जो हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि ये भी क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसको जो हम टेस्टिंग करेंगे ये भी रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ठीक है। इधर रेड लिटमस और ब्लू के साथ ये क्या करेगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, मीन्स इसका नेचर ये भी क्या है, दैट इज बेसिक। इधर सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू एसरटेन दिस, है ना। तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, मीन्स ये हमारा बेस है। You must have observed that red litmus turn blue. Is that clear? जब red litmus paper से हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। So oxide of magnesium is also a base. तो हम कह सकते हैं ये भी हमारा बेस है। ये कैसा है, बेसिक है नेचर है। और बेस के जो करेक्टर्स होते हैं क्या होता है, ये बिटर होते हैं, है ना, ये शोपी नेचर के होते हैं, है ना। लेकिन सारी चीजों को हमको टेस्ट करके नहीं देखना है, यानी डायरेक्टली टेस्ट नहीं करेंगे, हम केमिकल टेस्ट करके ही पता करेंगे, ठीक है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक हमने जो देखी है, तो हमने मेटल्स की रिएक्शन देखी, हमने आयरन में जो डस्टिंग थी, है ना, आयरन हमारा मेटल है, उसको टेस्ट करके देखा, वो हमारा बेसिक निकला नेचर में। फिर इसके बाद हमने जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम भी हमारा मेटल है, उस पर हमने उसको बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, उसको भी हमने टेस्ट किया, वो भी हमारा बेसिक निकला नेचर में, ठीक है। इसी तरह हमने कॉपर में देखा, जो ग्रीन डिपोजिशन है वो भी हमारा रस्टिंग ही होता है। अब हम बात करते हैं जो कि जो ये है केमिकल्स हैं, इनकी नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो एक्टिविटी 4.4 देखते हैं, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन यहाँ के केस में यहाँ डाल देते हैं, ओके। तो ये हमारा है एक्टिविटी 4.4, रिएक्शन विद ऑक्सीजन किसकी, नॉन मेटल्स की। और नॉन मेटल्स के केस में देखेंगे, तो पहला है, हमने क्या किया इसमें, हमने एक स्मॉल अमाउंट में हमने क्या लिया है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमने पाउडर सल्फर ले लिया, है ना, सल्फर लिया है इन ए डीप फ्लैट ग्रेटिंग स्पून, है ना, एक स्पून में लेना है, ठीक है। एंड जो कि थोड़ा सा कर्व हो, जिसमें थोड़ा स्पेस हो कि हमारा सल्फर गिरे ना, ठीक है, ले लिया।
डिटेरियोरेटेड का मतलब यही होता है स्पून एंड हीटेड, हमने सल्फर लिया स्पून में और उसको हीट किया, ठीक है। इफ डिटेरियोरेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, यदि आपके पास नहीं है, यू मे टेक ए मेटेलिक कैप ऑफ एनी बॉटल, किसी भी आपकी यदि बॉटल है आपके पास तो मेटल का कैप है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड चलिए रैप ए मेटेलिक वायर, है ना, और क्या किया उसके ऊपर हमने एक मेटेलिक वायर को रैप किया। ये जैसा कि दिखाया गया फिगर में आपके, ये फिगर आपको 4.1 दिखाया गया, टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन विद लिटमस पेपर, है ना। तो इसमें आप देखिए आपने ये इस तरह से कैप लिया है, इसमें एक वायर ऐसे फंसा लिया है कि आपको, है ना, इम्प्रूव डीप मैग्नेटिक, हमने ये स्पून जैसा बना लिया इसको, ठीक है। ये साइड में आपको दिखाया गया है, ये दैट इज, है ना, इसको बोलते हैं आपका ये, है ना, डिफ्रैगमेंटेड स्पून। तो हमने इसको बनाया, एक कैप लिया, मेटल की कैप लेना है, उसमें हमको एक वायर रैप करके उसको स्पून जैसा बना लेना है, फिर उसके हमको सल्फर रखना है, है ना, ऐसी स्ट्रक्चर बना लेनी है। हमने एक ऐसी स्ट्रक्चर बना ली, ये सपोज एट मेटल कैप है हमारा, है ना, ये वायर है, इसको इसके यहाँ पर रैप करके ऐसे हमने वायर बना लिया, ये हम इसके यहाँ पर सल्फर लेकर के अब हम इसको यहाँ से हीट करना है, ठीक है, इसको हम यहाँ से ऐसे हीट करेंगे, ओके। तो क्या होगा, यू मे टेक ए मेटेलिक कैप, ये हो गया, आप समझ गए हो, रैप कर लिया, ओके, मेटेलिक वायर हमने रैप करके ऐसी स्ट्रक्चर बना ली। फिर उसके बाद एंड गिव इट द शेप, हमने उसी तरह का जैसा अपना डिफ्रैगमेंटिंग स्पून है वैसा इसको बना लिया। इसके बाद एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, आप देखोगे जब इसको आप हीट करोगे, जैसे ही सल्फर बर्निंग स्टार्ट करेगा, इंट्रोड्यूस द स्पून इंटू ए ग्लास, इंटू ए गैस जार, है ना, गैस जार ऑब्लिक ग्लास थम्बलर, है ना, इसमें कहा गया है गैस जार, ये जो आपको दिखाया गया है दैट इज गैस जार, इसमें एक जार होता है, ऊपर एक कैप होती है जिसके आप उसको ढक सकते हो, आपको इसकी स्मोक कलेक्ट करना, ठीक है। यदि ये नहीं है तो कोई ग्लास जो आप बताया गया टम्बलर, यानी कोई भी आप ग्लास का ले सकते हो, बीकर है, ग्लास है नॉर्मल, उसके ऊपर एक कवर करने की प्लेट हो उसमें आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने तुरंत ही इसको जैसे ही बर्निंग स्टार्ट हुई, इस स्पून को आपने एक गैस जार में या ग्लास टम्बलर में रखा, कवर द टम्बलर विद लीड, उसको कवर कर दिया, ऊपर से ढक देना है तुरंत, टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। आपको ये ध्यान देना है जो गैस बन रही है सल्फर के बढ़ने के बाद वो बाहर ना निकलने पाए, ठीक है, ओके, ये समझ गया। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद आपको धीरे से स्पून को बाहर निकाल लेना है, एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, धीरे से उसमें जल्दी से उसमें थोड़ा सा वाटर डाल देंगे इनटू टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और तुरंत ही उसको क्या करना है, जो लिड है उसको हटा देना है, शेक द, है ना, क्विकली रिप्लेस द लिड, तुरंत वाटर डाल के उसको बंद करिए, शेक द टम्बलर, अच्छे से टम्बलर को शेक करेंगे, चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब जो सॉल्यूशन मिला जिसमें कि वो जो गैस प्रोड्यूस हुई वो मिक्स हो चुकी है, अभी सॉल्यूशन को आप रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेक करोगे तो क्या होगा आपका रिजल्ट, देखिए इसमें आप देख रहे हो, यदि आपने रेड लिटमस पेपर के साथ चेक किया तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, अब ब्लू वाले लिटमस पेपर को इसने रेड कर दिया, मीन्स इसका नेचर कैसा होगा, दैट इज एसिडिक इन नेचर, है ना, ये कैसा होगा, तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे इसी तरह से आप कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड है एंड बेस है, तो टेबल दिया गया है 4.4, इसमें आपको नेम ऑफ दी बेस, है ना, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कितने बेस हैं, मेटल्स हैं, मेटल इसमें कैल्शियम हो गया, है ना, नेम ऑफ दी एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, नॉन मेटल सल्फर, तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिडिक एंड बेसिक, कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है,
ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेम ऑफ द बेस है, मेटल है, ठीक है, फिर यहाँ पे नेम ऑफ द एसिड है, और यहाँ पर समझ रहे हैं नॉन मेटल। तो हमने अभी सल्फर के साथ रिएक्शन करी है, तो जब सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो हमें गैस मिलती है उसमें जो हमने वाटर को ऐड किया तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसीलिए हमने जब ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया तो ये रेड हो गया, ठीक है, ओके। तो ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा एसिड है, इसमें जो बना दैट इज एसिडिक इन नेचर, ओके, ये आप लोग जान गए हैं। तो इसमें अब आगे देख लीजिए, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड बना गैस, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, टर्न सल्फर एसिड, है ना, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का ही एक फॉर्म है, तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म, द रिएक्शन कैन बी गिवन, ये दिया गया है ना, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्शन हुई, क्या बना, सल्फ्यूरस ऑक्साइड, दैट इज H2SO4SO3, है ना, एंड द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, इज दैट क्लियर। यहाँ पर जब बेस वहां पर था तो रेड को ब्लू कर रहा था, यहाँ पर एसिड बन गया तो इसने क्या किया, ब्लू को रेड, ब्लू लिटमस पेपर जब हमने चेक किया तो उसे रेड कर दिया, तो दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा एसिड बना, सल्फ्यूरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO3, ओके। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, ये याद रखिए, और जितने भी ऑक्साइड बनते हैं मेटल्स के वो कैसे होते हैं, ये है ना, इसको आपको बैठा लीजिए, जब मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की तो जितने ऑक्साइड बनते हैं वो बेस बनते हैं, है ना, जब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो जो बनता है दैट इज एसिडिक इन नेचर, है ना, वो एसिड्स होते हैं, ठीक है। रिकॉल द सेम, रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेस यू हैव रीड, आपने पढ़ा है सेवेंथ में, तो बहुत सारे बता सकते हैं आप, जैसे कि एसिड की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम NaOH बोलते हैं, है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। अब यहाँ पर एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर बना, सल्फ्यूरस एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड, दीज आर एसिड, है ना, ये सारे एसिड्स हो गए और बेस भी आपने जान लिए, ठीक है। जहाँ पर ऑक्साइड लग जाता है वो हमारे बेस बन जाते हैं, जहाँ पर एसिड लग गया वो हमारे एसिड है, ठीक है, ओके। तो नोट डाउन दियर नेम्स, आप कर लिए इसको, आइडेंटिफाई द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन देम, ओके, विच फॉर्म ऑक्साइड एंड विद ऑक्सीजन, ओके। तो यहाँ पर हो गया बेटा, आज इतना ही रखते हैं, है ना, फिर इसके बाद है नेक्स्ट, अभी हमने दोनों की मेटल्स और नॉन, आज हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, आज हमने मेटल्स की भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के देख ली और नॉन मेटल के भी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी। अब हम नेक्स्ट अपनी क्लास में जो ये मेटल की वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है, नॉन मेटल की वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है, ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख कर आइएगा, ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा पढ़ कर आएंगे इसको। यस, हाँ बेटा, अभी यार जो आपने पढ़ा, आपने बोला मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हमने देखी, दोनों ही बातें आपको समझ में आई? यस मैम, यस मैम, हेलो, यस मैम, बता दीजिए, हाँ बता दे बेटा, यस मैम, यस मैम, आपने बोला ऑक्साइड जिसमें लगता है वो बेसिक होता है, एसिड जिसमें लगता है वो क्या होता है, एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करो बेटा। मैम आपने बोला जिसमें जैसे ऑक्साइड लग जाता है तो बेसिक हो जाता है मैम, और मैम जिसमें एसिड लगता है वो क्या, वो एसिड ही होते हैं, है ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे एसिड्स हैं, और जितने भी बेस होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं जनरली, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, आप देखोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से, तो ये जितने भी ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो एसिड्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इस तरह से बनते हैं। और सीधे से एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आयरन, सपोज अगर मेटल्स की हम बात करते हैं, जब मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी उसके बाद जो ऑक्साइड्स बनेंगे उनका नेचर बेसिक ही होगा,
ठीक है। ठीक इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्मेशन होता है, जो गैस बनती है उसका जब वाटर के साथ आप डिजोल्व करोगे जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा दैट इज एसिडिक इन नेचर, उसका नेचर एसिड होगा, एसिडिक होगा। दैट इज मैम रस्ट का फॉर्मूला बता दीजिए। रस्ट का ही तो है, देखिए रस्ट का फॉर्मूला जब उसमें आपका आयरन ऑक्साइड बनता है दैट इज क्या होता है, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, है ना, Fe है ना, Fe2O3, ओके। और इसी तरह से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है दैट इज है ना उसका हो जाएगा Mg2O, ओके। और क्या मैम क्या बता मैम अभी आपने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया। रस्टिंग, रस्टिंग, रस्टिंग यानी आयरन की, अभी भी रस्टिंग की बात कर रहे हो तो वो हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ओके। और इसके साथ जो यदि आप कॉपर की बात करोगे, कॉपर में आपने देखा ही है रिएक्शन सामने लिखी हुई है ना, क्या बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस। इसी तरह से जब मैग्नीशियम के साथ आप बात करते हो तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है Mg2O। यस मैम क्लियर। हाँ और कोई क्वेश्चन मैम, साइड हो जाइए मैम, और किसी कुछ पूछना है मैम, दोनों साइड हो जाइए बोर्ड से लीजिए, मटर पढ़ के आना, कुछ पूछना है कृतिका, कुछ पूछना है कृतिका, समझ में आया कि नहीं, बहुत आम बैठी हो। O+2+O2 में मॉइस्चर का फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट है बेटा? ये जो 2CO+H2O+CO2+O2 है इसमें मॉइस्ट एयर का फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट है? मॉइस्ट एयर इसको इसलिए कहा गया है कि इसमें वाटर लगा हुआ है ना, वाटर जब ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो ये मॉइस्चर है ना कलेक्ट करेगा, यहाँ पर मॉइस्चर है, यदि वाटर मिल गया तो मींस मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर का फॉर्मूला नहीं है, आपको बताया गया है कि इसको दैट इज ए मॉइस्चर, मॉइस्चर कंडीशन, ओके, ये कंडीशन बताई गई है मॉइस्चर कंडीशन क्योंकि वहां पर वाटर अवेलेबल है, बस इतना फॉर्मूला नहीं है उसका, ओके। और ये कौन है भाई, इसने कौन सा यहाँ पर कार्टून लगा रखा, सतेंद्र पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हो तुम, ये कार्टून बदलते जा रहा है आवाज सामने। हाँ बेटा समझ में आया, हाँ तो सामने आओ, तुम कार्टून क्यों लगा रहे हो, तेज भी दिखा दिया करो कभी कभी, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। और ओम बेटा समझ में आया? यस मैम, यस मैम। ये कौन है ये मैम, मैं कौन, नाम बोलो, HOFFOP, ये कौन है अपने नाम, ये अपने नाम से जुड़ा करिए, जो लोग भी जुड़ते हैं अपने नेम के साथ जुड़िए, ठीक है, ऐसे यदि आप लोग नाम रखेंगे तो मैं ग्रुप से हटा दूंगी, याद रखिएगा, फिर आप ऐड नहीं हो पाएंगे, सारे लोग अपने नाम से और वीडियो ऑन रखा करिए, ठीक है, वीडियो ऑन, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम रिविजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको एक चैप्टर पढ़ के आना है, क्लास में MCQ कराऊंगी, ठीक है, और कल आप लोग पढ़ के आएंगे यही इसके चैप्टर के आगे की हेडिंग, जो रिएक्ट आज हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन कराया, कल हम रिएक्शन विद वाटर कराएंगे, और जितने लोग भी अटेंड हो रहे हैं सारी, हाँ सारे लोग अपनी वीडियो ऑन रखा दीजिए, है ना, ऐसे बैठना नहीं है कि आप म्यूट करके बैठ गए, क्यों आयुष मिश्रा होगी नहीं, सामने आओ, हाँ लेते हुए क्या हो रहा है, समझ में आया? आयुष मिश्रा, आयुष मिश्रा, यस मैम समझ में आया, हाँ हाँ तो चेहरा दिखा दिया करिए, है ना, ये कौन है भाई, प्रखर सिंह हो कि नहीं, तुम सामने आ जरा, प्रखर ज्वाइन करके लगता भाग गए, क्यों लगता है मैम इसी तरह, बेटा म्यूट करो, सामने आओ, वीडियो दिखाओ अपनी, नहीं है, चलिए हाँ दिखाई तो नहीं दे रहा, अच्छा ये बताइए सारे लोग कल से मुझे वीडियो में दिखाई देंगे, आप अपना वीडियो ऑन कर, जब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है तो सामने आइए,
सामने बैठ करके मुझसे बात करिए और अपने नाम के साथ जुड़िए। कुछ लोग बिना नाम से जुड़े हुए हैं वो गलत है, मैं हटा दूंगी उनको। ठीक है, अच्छा ये बताइए आज समझ में आया सब कुछ? यस मैम। ओके, तो कल पढ़ के आएंगे आप रिएक्शन विद वाटर, है ना? इसको हम पढ़ेंगे और जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा हमको रिवीजन स्टार्ट करना है 3 चैप्टर का। ओके ओके देन बाय बेटा। यस मैम। बाय मैम। बाय मैम।